पहले व्हाट्सएप पे अगर आपको किसी मैसेज को सर्च करना होता था तो आपको या तो पूरा स्क्रॉल करना होता था या आप लोग कोई वर्ड या कोई कीवर्ड टाइप करके आप लोग उस मैसेज को फाइंड कर पाते थे। लेकिन अब व्हाट्सएप मैसेज खोजना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक फीचर देखने को मिल जाता है सर्च बाय डेट का। आप लोग डेट वाइज किसी भी मैसेज को सर्च कर सकते हो, चाहे वो हैप्पी बर्थडे का मैसेज हो चाहे हैप्पी एनिवर्सरी। तो इसी तरह इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के कुछ न्यू फीचर्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो यहीं पे दूसरा फीचर है व्यू वंस वॉइस नोट। तो अब आप लोग किसी भी वॉइस नोट को व्यू वंस करके सेंड कर सकते हो, ताकि वो वॉइस नोट को वो सिंगल बार ही प्ले कर सके और उसे वो सेव भी नहीं कर सकता और किसी को फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता है। तो अगर तुम लोग किसी को गा के सुनाना चाहते हो या कुछ भी, तो अब वॉइस नोट का यूज कर सकते हो एंड यू कैन सेंड इट टू देम, एंड वो ना तो उसे सेव कर पाएंगे, ना तो उसे वो दोबारा सुन पाएंगे, ना तो किसी को शेयर कर पाएंगे। सो ये एक फीचर काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो पहले आप लोगों को व्हाट्सएप में सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 तरह के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मिलते थे। या तो आप लोग टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते थे, इटैलिक कर सकते थे, मोनोस्पेस एंड अंडरलाइन या स्ट्राइक थ्रू कर सकते थे। लेकिन अब आपको कुछ और भी एडिशनल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ही ज्यादा यूनिक लगता है देखने में, काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बाकी सब मैसेज से बिल्कुल ही अलग दिखता है। जैसे कि यहाँ पे कोटेशन ब्लॉक देखने को मिल जाता है, इनलाइन कोड देखने को मिल जाता है और साथ ही यहाँ पे नंबरिंग लिस्ट एंड पॉइंटर्स लिस्ट का यूज कर सकते हो। इसके बाद 2 नए फीचर्स देखने को मिल जाता है चैट लॉक में। तो अगर आप लोग सेटिंग में जाके प्राइवेसी में जाते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चैट लॉक। आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अनलॉक एंड क्लियर चैट। तो अगर आप लॉक चैट का पासवर्ड भूल गए हो या आप लोगों को अचानक किसी को फोन देना है और आप चाहते हो वो चैट उसके हाथ ना लगे, तो आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड एक बार में चैट अनलॉक भी हो जाएगा और सारा चैट क्लियर हो जाएगा। तो जो भी तुम्हारी बातें थी वो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। देन नेक्स्ट है सीक्रेट कोड चैट लॉक। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग स्वाइप करते हो तो यहाँ पे लॉक चैट शो करता है, तो किसी को भी पता चलेगा कि हाँ सामने वाले ने कुछ चैट को लॉक करके रखा है। लेकिन इसका भी एक नया फीचर आ चुका है जिससे कि आप लोग इसको भी हाइड कर सकते हो। तो आपको जाना है चैट लॉक में एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हाइड लॉक्ड चैट, फिर आपको क्रिएट सीक्रेट कोड पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको जो भी कोड रखना है, आप लोग इमोजी रख सकते हो, नंबर या कुछ भी ABCD आपको जो भी रखना है, देन आपको यहाँ से फिर से कंफर्म करना है। एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हो अगर मैं होम में जा रहा हूँ और स्वाइप डाउन कर रहा हूँ तो लॉक चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब लॉक चैट को एक्सेस करने के लिए आप लोगों ने जो भी सीक्रेट कोड रखा था आपको सर्च बार में उसे टाइप करना है एंड आप लोग देख सकते हो लॉक चैट आपके सामने आ जाएगा। तो ये फीचर काफी अच्छा है कि अगर आप लोग नहीं चाहते हो दूसरों को पता चले कि आप लोगों ने कुछ चैट को लॉक करके रखा है। एंड नेक्स्ट फीचर देखने को मिलता है कि अब आप लोग व्हाट्सएप में ही स्टिकर क्रिएट कर सकते हो। आपको सिंपली स्टिकर के ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, जो भी फोटो का आप लोग स्टिकर बनाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इसके बारे में डिटेल से जाना है तो इस वीडियो को देख सकते हो। और अब आप लोग अपने फोटो का भी स्टिकर बनाकर सामने वाले को सेंड कर सकते हो। आपको सिंपली फोटो को सिलेक्ट करना है एंड नीचे आप लोग देखते हो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक बैकग्राउंड रिमूव और एक विथ बैकग्राउंड। तो आपको बस विथ बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है एंड सामने वाले को सेंड कर दो एंड आपका फोटो स्टिकर में चला गया। तो व्हाट्सएप का ये स्टिकर अपडेट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट फीचर देखने को मिल जाता है पिन का। अब आप लोग किसी भी चैट में 3 मैसेज को पिन कर सकते हो और वो मैसेज सबसे ऊपर दिखेगा। और पिन करते वक्त आपके सामने एक ऑप्शन भी आएगा कि आप लोग इस मैसेज को कितने देर के लिए पिन करना चाहते हो, 24 आवर्स, 7 डेज एंड 30 डेज। और साथ ही आप लोग सिर्फ एक मैसेज को नहीं बल्कि 3 मैसेज को पिन कर सकते हो। और अगर आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग सेकंड मैसेज देख सकते हो एंड देन क्लिक करने पर आपको 3rd मैसेज दिखेगा। तो ये फीचर पहले सिर्फ ग्रुप में था, लेकिन अब आप लोग इंडिविजुअल चैट में इस फीचर का यूज कर सकते हो। कुछ भी हो जो कि तुम चाहते हो सामने वाले को तुम रिमाइंड करते रहो, तो बस उस मैसेज को सिलेक्ट करो एंड पिन कर दो एंड वो मैसेज सबसे ऊपर में रहेगा जब भी चैट ओपन करोगे। तो व्हाट्सएप UPI का यूज हम लोग बहुत ही ज्यादा कम करते हैं, क्योंकि यूज करना ही इतना ज्यादा मुश्किल है। पहले सेटिंग में जाओ, देन पेमेंट्स में जाओ, देन जाके पेमेंट करो। लेकिन अब आपको एक शॉर्टकट देखने को मिला था। आपको कैमरा बटन के बगल में ही आपको एक QR स्कैन का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से आप लोग किसी भी QR को स्कैन करो एंड आराम से पेमेंट कर सकते हो। तो इसका यूज करके पेमेंट करना और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग व्हाट्सएप UPI का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा नीचे कमेंट बता सकते हो। और इस चैनल पर ऐसे और वीडियोज देखने को मिल जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।